हरिद्वार की पॉश कॉलोनी गोविंदपुरी में अतिक्रमण को लेकर आज कॉलोनी वासियों ने जमकर विरोध किया है। इस मौके पर पार्षद प्रीत कमल ने कहा है कि कुछ लोग व्यवसायीकरण के कारण कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से वाहन पार्किंग कर पूरी गली पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा गली में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में पुलिस को सूचित किया जा चुका है और जल्द ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर अवैध रूप से कब्जा कर रही लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। वहीं रेस्टोरेंट से निकलने वाली गंदगी को गली में बहा दिया जाता है, जिससे सीवर लाइन चौक हो जाती है। इसको लेकर हमने निगम पार्षद से शिकायत भी की थी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। अंदर लोगों ने बहुत ही अतिक्रमण कर रखा है। हमारे निगम के कर्मचारी सफाई करने में बेचारे असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जे करने के बाद ये 12-12 सिलेंडर लगे हुए हैं, ये सारे लीकेज होते हैं, नालियाँ सारी बंद कर रखी है। नगर निगम वाले आते हैं पर वो ये कहते हैं जगह नहीं है तो हम कहाँ से सफाई करें, बाइक हटवाओ। और ये सिलेंडर लगे हुए हैं हमारे घर के सामने, आवाज करते हैं, हम लोग कहते हैं तो वो हटाए नहीं। उन्होंने जब लगाए थे उन्होंने सुनी नहीं हमारी। पूरे डोमिनोज वाले ने बुरा हाल किया, यहाँ बैठ के बाहर शराब पीते हैं, छोटा बच्चा है, सारी रात हमारा सोता नहीं है, गाली गलौज और इतनी स्मेल आती है घर में कि हम इतने परेशान हो गए इन लोगों से। लोग हैं जो खड़े हैं यहाँ पे वो यही चीज दिखा रहे हैं कि ये कितनी परेशानी है। आप ये देखिए, एक पूरा रास्ता बंद है, कूड़े वाली गाड़ी आना चाहती है तो वो भी नहीं आ सकती है, उधर गटर भी उधर लीक हो रहा है, पूरा लेटरिन से लेकर के हर एक चीज, मतलब हालत एकदम खराब है इस गली की। बिल्कुल गली के अंदर लोगों ने